बापू एक बात बताता, पूछो जो सुबह तूने बहन पिलाई थी वोट करके, हाँ उससे नशा नहीं है ये बात। अब इसलिए नहीं नशा चढ़ता भगवान भोलेनाथ, क्योंकि तुम्हारी खुराक में आ गई तुम्हारी भांग, अब नशेबाजी की बात मानती नहीं है ये। देख गोरा, मेरे पास सिर्फ एक ही काम और एक ही धंधा है। कौन सा? सिर्फ और सिर्फ भांग पीने का। अच्छा हाँ, और इसीलिए मैं तेरे शादी करके ले आया था कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ भांग घोट करके पिलाया करेगी। अच्छा मतलब तू बहू ना लेकर आया, नौकरानी लेकर आया था? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? आप मेरी बहुत प्रिय हो, प्रिय होती तो ऐसे काम ना करवाता तू। और तुमसे प्रिय कहीं मेरी जो भांग है ना, तेरी कसम बड़ा आनंद से आ जाता है। मतलब ये कहना चाहते हो कि मुझसे ज्यादा प्यार करते हो तुम भांग को? देखो भांग के सहारे जी रहा हूँ, भांग के सहारे मत रहो। तो भोलेनाथ आप मुझसे बात मत करो। नहीं नहीं तुमसे बात नहीं करूंगा तो फिर किससे? लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। किस बात से नाराज? नाराज इसी बात से हूँ कि तुम्हें कोई काम हिलना नहीं, ना मेरी केयर करते हो, ना मेरा ध्यान रखते हो, सिर्फ भांग पीते रहते हो, भांग पीते रहते हो और भांग ही पीते रहते हो। एक बात बता महाराज जी, यो पहाड़ पर अकेली रहती है हाँ। और अकेला मैं रहता हूँ, एक कार्तिक रहता है, एक गणेश रहता है, इसके पास कोई बेस कट्ठा का काम है, बस भांग घोटने का ही तो काम है, खाने पीने का। भोलेनाथ थोड़ा बहुत काम तो तू भी कर सके, तेरे ये चेला चपाटे इन पे भी करवाए कर कुछ। ये चेला चपाटे तो ऐसे ही हो रहे, पता नहीं नींद सी में वैरन हो रहे। मेरी बात सुन लो भोलेनाथ, आज के बाद मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है गौरा। हाँ कभी कभी तो ना मैं बात नहीं करूँ, मैं तेरी अब मेरी तेरी कुट्टी हो गई, मैं तेरे से बात ही नहीं करूं। चले काम कर ले, कुट्टा हो जाना, लेकिन पहले भांग घोट कर ना। मैं भांग नहीं घोटूंगी भोलेनाथ। अच्छा हाँ कुछ कहना चाहे? हाँ साफ साफ खोल करके बताइए। साफ साफ कान खोल करके सुनिए, बताइए सुनिए क्या कि तू मेरे साथ ना बोले भोले शिकार दे। अच्छा रूठी गोरा रूठी तू आज जो मेरे से नाराज हो रही है, कितनी गलेबाजी कर ले, कितने ही मेरे से बिठा ले, मैं नहीं ना हूं तेरे काबू में। अब ना बोले ना तब ना। हाँ सुन मेरी बात, कि तू मेरे साथ ना बोले भोले तेरी मेरी कट्टी। ये मेरी भी सुन ले। सुना वो किस कारण से Oh,
भगवान बोले ना तो मैं हूँ, इसमें कौन सी झूठ है। लेकिन तेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं है पागल, इतना लंबा चौड़ा पहाड़ पर कितना रह ले, कहीं भी रह ले। और ब्रह्मा की कोठी देखी तने? ब्रह्मा की कोठी देखी है। विष्णु का बंगला देखा है तने? विष्णु का बंगला भी देखा है। अपनी झोपड़ी देखी है तने? टूटी छान देखी है? पागल हो रही है, ये साधु संत बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माता बहने बैठी हैं। भाई एक बात बताओ दादा महाराज जी, भोले बाबा से बड़ा बंगला किसी का है इस दुनिया में? महाराज जी से हाँ भरवा ले खामू खा। नहीं है ना, इससे बड़ा कोई देवता भी नहीं है। मेरी बात सुन ले भोलेनाथ, या तो बना ले घर बढ़िया सा, और ना तो मैं तुझे छोड़ के भी जा सकती हूँ। ना ना अगर छोड़ के जाएगी तो फिर इस गणेश को बिठा के ले जा। गणेश को क्यों लेके जाऊंगी? सुन धारी, सुन मेरी बात, कह दे। सभी देवता देख लिए मन तू सब पे बेकारा से, सब देवों के महल बने तो फिरता धक्के खाता से। गौरा देख मेरी बात सुन ले, जे तू महल चाहती है मेरा देखना और बनवाना तो तेरी कसम इतना सुंदर महल बना दूंगा इस दुनिया में किसी ने बनाया नहीं होगा। बातों से पेट मत भरो भोलेनाथ। नाना सच में ही बनवा के, सब देवों के महल बने तो फिरता धक्के खाता है। पहाड़ों में जो आनंद गोरा और महल में आता है, पहाड़ों में जो आनंद गोरा नहीं महल में आता है, पहाड़ों में जो आनंद गोरा नहीं महल में आता है। देख देख सब हंसी करते, देख देख सब हंसी करते, छान पड़ी और टूटी वो किस कारण से? सम्मान और प्यार और आशीर्वाद मुझे देते रहते हैं, जो असाफ्टी से चल करके आए, जो 100 रुपए दे करके मेरा मान सम्मान कर रहे हैं, प्रीति जी का मान सम्मान कर रहे हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद करते हैं। कह दे क्या कहना चाहते? मैं ये कहना चाहती हूँ भोलेनाथ कि तूने मेरी सहेली देखी है? तेरी सहेली लक्ष्मी देख, सरस्वती देख, ब्रह्माणी देख, देखी है कभी? हाँ बिल्कुल देखी है। उनका हाल देखा है? ऊपर से नीचे तक सोने में पीली कर रखी है वो सारी की सारी। मेरी साड़ी तो है, और कौन है वो? नहीं साड़ी तो मैं है वे, मैं मान रही हूँ तेरी बात, पर न्यू बता दे तूने मुझे आज तक कुछ करके दिया है, कुछ ला के दिया है? मुझे ये बता मैंने तुझे ला करके क्या नहीं दिया है? न्यू बता दे तने दिया क्या है आज तक?
देख मेरे भक्त यूं कह रहे, एक बार भांग पिलवा दे तेरी। हाँ, इन्हें तो बहाना चाहिए ना तेरी गैल पीने का। एक बात बता, हाँ, ये इतना सुंदर सा सूट कहाँ से लेकर के आए? ये चुन्नी कहाँ से ले आई? ये चूड़ी कहाँ से ले आई? राजस्थान से। अंगूठी कहाँ से ले आई? खाटू जी से। चैन कहाँ से ले आई? अपने घर से। अपने घर से। ये अपने घर से। ये गणेश भी वो गलती से निकल गई मेरे मुंह से। गणेश खड़ा हो, मुंह फाड़ के देख रहा हूं मैं। जब मैं जब ही तो यूं कर रहा हूं, ये गणेश मोमेंट मिल रही किसको? सूट धारी देखिए, ये तो केड़ा ही पड़ गया है किसको? अरे ये तो मुंह बना के पड़ा है, तू गुस्सा रोवे क्यों है? तू बाप पे ही गया कतई। अरे किसको? ना ना, मुंह पे जा तो उठ जा तो। बाहर की वैरायटी बता रहे हैं, ये बता दे ये नस्ल हक हकी है। न्यू कर रहे हैं बाबा, यू बाहर की वैरायटी है। सही सही बता दे कहां पे। अब सही कह रहे हैं, वो दादा ने बता दिया तो सुने नहीं अब। भगवान बोले ना ऐसे नहीं चलेगी बात, तो कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी सरस्वती और लक्ष्मी देखो गहनों के माला दी पड़ी। दादा जीवन सबसे अच्छा किसने तेरी अकल हड़ी? सरस्वती और लक्ष्मी देखो गहनों के माला दी पड़ी। ओ सादा जीवन सबसे अच्छा किसने तेरी अकल हड़ी? सादा जीवन सबसे अच्छा किसने तेरी अकल हड़ी? ओ सादा जीवन सबसे अच्छा किसने तेरी अकल हड़ी? पता चल गया तेरी मेरी बने ना अब ना, ना बन जाएगी ना। अब मैं जा रही हूँ, तलाक के कागज भेजूंगी अब तेरे दौर है ना ना। हाँ, क्योंकि सुन महाराज जी। हाँ महाराज जी, क्या करेंगे? कुछ भी ना कर सको अब। तैयार है ना? जाने तो नहीं दोगे? इन बहना रुको अब मैं। हाँ देख, ठीक है ठीक है, फिर भांग पांग छोड़कर आड़ कटवा दो, फिर मैं मान गया। फिर गोरा, फिर ये होगा जब मेरा भगत यूं कह रहा है भाई तू भांग छोड़ दे। छोड़ दे, ठीक है गोरा, मैं भांग छोड़ दे। सॉरी बोल, सॉरी। कान पकड़ के, कान पकड़ के। अरे नहीं तो फिर क्या, डंड बैठक मत मारे, तेरे शरीर लीज भी जा खत्म होगा। सुन मेरी बात, क्या होगा? और इंद्रपाल चली पीहरने, अरे गोरा तू मत जा पीहरने। जाऊंगी ना ना। और इंद्रपाल चली पीहरने, इंद्रपाल